Hello students. So we have done session 3 so far. So today we have an agenda of session 4. Session 4 of Word Bar Made Easy. Very simple session, very short session we'll have today. But we'll grab a few good words in this session. Okay. Hope now this when you say session 4, what does it talk about? It talks about In this chapter, we discuss medical specialists. जितने भी different तरीके के doctor होते हैं, you know, when, what do they do and how they do it, what they are called. उनको हम क्या बोलते हैं, okay? Ideas से शुरू करते हैं. आपको पता है हर बार जो female troubles को देखने वाला doctor होगा, what will we call the doctor? Say the specialist. This specialist treats the female reproductive and sexual organs. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में जो स्टडी करता है वो डॉक्टर जो होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट होता है. इफ यू रिकॉल आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि गायनेकोलॉजिस्ट के स्पेलिंग करते वक्त आप ध्यान रखिए कि आप गलत नहीं करें. GYNAE फिर कॉलोजिस्ट, ठीक है. तो इस तो एक्सपेरिमेंट एक्सपर्ट हो गया. गायनी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. गायनी का मतलब वुमेन से है. बस गायनेकोलॉजिस्ट जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर ए और ई लगाएंगे, ये आप याद रखिएगा. ओके, तो द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स इज नोन एज गायनेकोलॉजिस्ट हो जाता है. देन हैविंग ए बेबी, नाउ द वन हु रियली ट्रीट्स द वुमेन when she is in the delivery room and all, उस वक्त जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है वो अलग एक्सपर्ट होते हैं इस काम के लिए. उसके लिए हम क्या बोलते हैं, the specialist delivers. This specialist delivers babies and takes care of the mother during and immediately after the during and immediately after the period of her pregnancy होता है, यानी उस ड्यूरेशन में जब वो 9 months का gestation period है उसमें, या after the delivery, वो जो डॉक्टर उस को देखेगा वो क्या कौन कहलाएगा, दैट डॉक्टर इज नोन एज ऑब्स्टेट्रिशियन होता है. दैट डॉक्टर इज नोन एज ऑब्स्टेट्रिशियन इज दी है. जो शियन वर्ड है वो भी कहीं ना कहीं भी बाकी जाके, जैसे हमने इस्ट एक्सपर्ट को बोला था वैसे हम जाके देखेंगे शियन जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट को इंडिकेट करता है. दिस डॉक्टर इज नोन एज ऑब्स्टेट्रिशियन. व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल्स मेनी टाइम्स यू फाइंड वहां लिखा रहता है डॉक्टर के नाम के आगे गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन. इट मींस वो दोनों काम करते हैं. ओके, दैट्स व्हाट द केस. नाउ लेट्स सी थर्ड. इज योर बेबी इल, सपोज छोटा बेबी होता है वो इतना बोल भी नहीं पाता या उसकी अलग से डेवलपमेंट होती है, अलग से उसकी नेचर होती है, उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर को आप क्या बोलते हैं. You know the common childhood maladies. Maladies मतलब illness, disease. Mumps होती हैं, whooping cough होता है. Whooping होता है बहुत ज्यादा खांसी आती है, बड़ी काफी ऊंची ऊंची आवाज सी भी निकलती है गले में से, whooping cough हो जाती है. Chicken pox हो जाता है, measles हो जाता है, ये तकरीबन बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती है. This specialist limits his practice to youngsters, taking care of babies directly after birth, supervising their diet and watching over their growth and development, giving them the series of inoculations. Inoculations का मतलब होता है vaccination, injection देने को inoculate कहते हैं, vaccination के लिए use होता है inoculate करना. तो giving them the series of inoculations that has done so much to decrease infant mortality and soothing their anxious parents. Infant is young child or mortality means death rate. यानी ये जो जब से इनोकुलेशन होने लगे, वैक्सीनेशन होने लगी, तो ये डेथ रेट भी बच्चों का कम हो गया. यानी तो इनिशियल टाइम पर काफी ज्यादा होते थे, तो ये धीरे धीरे हमने वो करा है, वो इनोकुलेशन भी देता है बच्चों को यंग एज में, उनकी जो भी वैसी प्रॉब्लम होती है इनिशियल स्टेज के अंदर डायरेक्टली आफ्टर बर्थ, और उनकी ग्रोथ को लेकर वो डील करता है. दिस डॉक्टर इज नोन एज पीडियाट्रिशियन होता है. क्या होता है, दिस डॉक्टर इज नोन एज पीडियाट्रिशियन होता है. पीडियाट्रिक्स भी बोलते हैं लोग लोग मार्केट में, बट पीडियाट्रिशियन भी कह सकते हैं आप इसे. देन नाउ वी आर सेइंग इज मेलोडीज. आई टोल्ड यू मेलोडीज मतलब ये मेलोडी नहीं है, ये मेलोडीज है. तो मेलोडीज मींस डिसीज और एलमेंट को मेलोडी बोलते हैं. आई टोल्ड यू. देन हुपिंग कफ, एक कॉन्टेजियस डिसीज चीफली अफेक्टिंग चिल्ड्रन, करेक्टराइज्ड कफ्स फॉलोड बाई ए वूप, लाउड क्राई होती है, बड़ी खांसी अजीबोगरीब होती है, वो वूपिंग कफ कहते हैं. देन
इनाकुलेशन, मैंने बोला आपको वैक्सीनेशन होती है, विल टॉक अबाउट दिस कि इनाकुलेट वर्ड कैसे बना, विल डिस्कस इट इन द कमिंग सेशंस। देन इन्फेंट, अ वेरी यंग चाइल्ड और बेबी होता है, इन्फेंट बोलते हैं। देखिए कभी आपने गौर किया हो तो इन्फेंट को देखिए, तो इन्फेंट में जो छोटा बेबी होता है उसको कई बार कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन द इन्फेंसी स्टेज, यू नो, बहुत इनिशियल स्टेज में होती है, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है उसके इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, तो हम कहते हैं कि यार वो इन्फेंसी स्टेज में है। तो इन्फेंट इज वेरी यंग चाइल्ड को आप बोलते हैं, इन्फेंट होता है। एंड देन मोर्टैलिटी रेट, मोर्टैलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग मॉर्टल, यू नो द वर्ड मॉर्टल, आप जानते हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है वो मॉर्टल होता है ह्यूमन, और जिनकी डेथ नहीं होती वो इमॉर्टल होता है। मैंने शायद पहले भी बोला था कि आई एन लगाने पे नेगेटिव बनता है, लेकिन जो वर्ड एम वाले होते हैं उनके आगे आई एम लगाते हैं, मोबिलाइज का आप बनाते हैं इम मोबिलाइज, ठीक है, तो यानी इमेटेरियल होता है। आप कई बार कहते हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ता करो या नहीं करो, ये इमेटेरियल है, क्यों, मेटेरियल के आगे आई एम लगाते हैं, दो इन एक्टिव लगाते हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू, होप यू रिकॉल दैट। नाउ यू नो दिस मोर्टेलिटी वर्ड बाद में कभी शायद आएगा कि मॉर्ट वर्ड से आया है, इसका जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड जो है वो मॉट है, जिसका मतलब डेथ होता है, जिसका मतलब डेथ होता है। तो यानी अगर आप देखोगे तो वहीं से आपका मॉर्टल बना था, तो वहीं से हमने आपका इमोर्टैलिटी बना, और वहीं से फिर हमने इमॉर्टल बनाया, ठीक है। और वहीं से अगर आप अगर देखेंगे तो एक वर्ड होता है मॉर्चरी, वेयर द डेड बॉडीज आर केप्ट, तो यानी जहां पर भी वर्ड मॉट आ रहा है वो डेथ को इंडिकेट कर रहा है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट, ओके, मॉर्टेलिटी आ जाता है। चल स्किन केयर, स्किन केयर को करने वाला कौन, डॉक्टर। देखिए बड़ा अच्छा इसने स्टेटमेंट दिया, यू हैव हर्ड द क्लासिक रिडल, व्हाट इज द बेस्ट यूज फॉर पिग स्किन, ओके, आंसर इज टू कीप द पिग टुगेदर। पिग स्किन का कोई फायदा क्या है, उसमें सारी फ्लैश होती है, इतना मोटी उसकी स्किन होती है, अंदर जो फ्लैश होती है, तो उसकी उस स्किन का क्या पर्पस है, पर्पस ये है टू कीप द पिग टुगेदर, ये पुरानी फ्रेज बनी हुई है, काइंड ऑफ रिडल है। ह्यूमन स्किन हैज सिमिलर पर्पस, ह्यूमन बॉडी भी तो एक बैग की तरह ही है जिसके अंदर हमारे ऑर्गन फिट है, ठीक है ना, तो वही वो कहना चाहता है कि ह्यूमन स्किन इज सिमिलर पर हैज सिमिलर पर्पस, इट इज इफ वी गेट डाउन टू फंडामेंटल्स व्हाट कीप्स अस ऑल इन वन पीस। ऑब्वियसली हमारे लंग्स, हमारी बॉडी, हमारे लिवर, इस पूरे एक स्किन के बैग के अंदर कवर्ड है, अगर ना होता स्किन तो सारे अलग अलग ना हो जाते इससे, आप ऐसा सोच के देखिए, तो वैसी वाली बात कह रहा है। व्हाट कीप्स अस ऑल इन वन पीस एंड अवर आउटर कवरिंग लाइक सो मेनी ऑफ अवर इंटरनल ऑर्गन्स इज सब्जेक्ट टू डिसीज, जैसे हमारे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर की, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे स्किन पर भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, यू नो इट वेल, डिसीजेज एंड इन्फेक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स रनिंग दी गैमट फ्रॉम सिंपल एक्ने, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सीरीज ऑफ इलनेस हमारी स्किन पर भी हो सकती हैं, एक्ने हो सकता है, एक्जिमास हो सकता है, इम्पैटिगो हो सकते हैं, सॉरी डिसीज होती है वो हो सकता है, कैंसर हो जाता है, देर इज अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स ऑल सच स्किन डिसीजेस। काफी लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, जो स्किन को डील करने वाला डॉक्टर है वो कौन है, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाता है। हु इज द डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाता है, यू नो इट वेल, डर्मेटोलॉजिस्ट दे इन द मार्केट। गामेट क्या है, ए कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, मैंने बोला रनिंग दी गैमट, रनिंग दी गैमट मतलब कंप्लीट रेंज होती है, बहुत सारी टाइप की बीमारियां, एक ही बीमारी नहीं है, बहुत सारी टाइप की बीमारियां स्किन पर हो सकती हैं, जैसे उसने बोला एक्ने होता है, एक्ने क्या होता है, जिनके पिंपल्स होते हैं, पिंपल तो छोटी देर के लिए होता है, लेकिन अगर अब वो ज्यादा ट्रब्लमेटिक हो जाए और एकदम बढ़ जाए तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या कहता है, एक्ने क्या होता है, स्किन कंडीशन मार्क्ड बाय न्यूमरस रेड पिंपल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लेम्ड सेबैकियस ग्लैंड हो जाता है, कोई ग्लैंड होगा बॉडी में, उस पर्टिकुलर वजह से हमारे बहुत ज्यादा रेड 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 मार्क्स हो जाते हैं, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है एक्ने की, ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हाँ आपको उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, वो एक्ने का ट्रीटमेंट करते हैं, इट इज वर्स्ट स्टेज ऑफ योर पिंपल्स, जिनको पिंपल्स होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि एक्ने ना हो,
देन एक्जिमा हो जाता है, ए मेडिकल कंडीशन इन विच पैचेस ऑफ स्किन बिकम रफ एंड फ्लेम्ड विद ब्लिस्टर्स विच कॉज इचिंग एंड ब्लीडिंग होता है, छोटे छोटे चटके पड़ जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, वो फैल भी जाता है और ये कंटेजियस भी हो सकता है, ये एक्जिमा हो जाता है। काफी कुछ जिनको होता है वो जानते हैं, ठीक है, जैसे वो फिर वो उसको स्क्रैच करता रहता है, इचिंग होती रहती है, तो वो एक्जिमा हो जाता है, ठीक है। देन इम्पेटिगो, एक कंटेजियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन फॉर्मिंग पस्टुल्स एंड येलो क्रस्टी स्कोर्स, ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप की डॉक्टर ये मेडिकल इलनेस है स्किन को लेकर। एंड देन सोरियासिस हो जाता है, स्किन डिजीज मार्क्ड बाय रेड इची स्केली पैचेस होता है, कभी कभी किसी के देखा हो बॉडी पर डिफरेंट 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 रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, वो भी परेशान करते हैं, तो वो सोरियासिस हो जाता है। तो दीज आर ऑल दी प्रॉब्लम्स ऑफ द स्किन, इस तरीके की कोई भी स्किन एलिमेंट के लिए यू विल हैव टू गो टू व्हाट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, हम छोड़ भी सकते थे, एक्ने कुछ होता होगा, हम नहीं पढ़ते, क्या फर्क पड़ता है, नाम सुन लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में क्या होता है कि शायद कभी दोबारा देखेंगे तो क्लिक होगा, हाँ यार पढ़ रखा है, आप बिल्कुल उल्लू नहीं रहेंगे। अगर आप मान लीजिए सोरियासिस है तो आप इसको पी सोरियासिस नहीं पढ़ेंगे, या इम्पेटिगो क्या होता है, एक्जिमा क्या होता है, तो एक बार जब आप गूगल करोगे तो एक्जिमा में उसकी फोटो भी देख लो, तो आपको नॉलेज रहेगी। गधे बनने में तो कोई कभी भी बन सकते हैं, समझ रहे बात को, आप उल्लू बने रहिए, लेकिन सीखना है तो उसका तरीका क्या है कि भैया आज हमने यहाँ पढ़ लिया, एक मिनट गूगल किया, देखा एक्जिमा क्या होता है, फिर उसकी फोटो भी देख ली, अच्छा यार दिस काइंड ऑफ डिसीज इज एक्जिमा होता है। तो व्हेन यू आर अमंग योर फ्रेंड्स, कभी सर्कल में होते हैं, लाइफ में कभी जरूरत पड़ जाती है, भगवान ना करे किसी और को हो सकती है, तो आपको पता रहे, इट्स नॉट लाइक दैट यू आर जो टोटली डम, इट इज लर्निंग, लर्निंग इज ड्रॉप बाई ड्रॉप यू फाइंड योर पिक्चर फील्ड। तो आप ये नहीं कह सकते मेरे काम का नहीं है, काम का है, देखिए क्या होता है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दीज वर्ड्स। मुझे भी डिक्शनरी देखनी पड़ी, आई एम नॉट ए साइंस स्टूडेंट दैट वे कि मुझे पता हो, जितना मैंने मुझे मालूम है मैंने बता दिया। देन आईज, आईज ओके, आपके आईज को देखने वाला कौन होता है, हम तो सारे कहते हैं यार ये आई स्पेशलिस्ट होता है, ऐसा ही मानते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है वो क्या बोलेगा, वो इस तरीके के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलता है, वो इस तरह के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलता है, पहले लोग इसे, बाद में हम पढ़ेंगे इसे ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं लोग बाग, ठीक है, ऑक्यूलिस्ट भी होता है, लेकिन अभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, स्पेलिंग याद रखिए, ठीक है। द फिजिशियन हुज स्पेशलिटी इज डिसऑर्डर्स ऑफ विजन, मायोपिया हो जाए, एस्टिगमेटिज्म हो जाए, कैटरैक्ट्स हो जाए, ग्लैकोमा हो जाए, में प्रिस्क्राइब ग्लासेस, एडमिनिस्टर ड्रग्स और परफॉर्म सर्जरी होता है, इस तरीके के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो सर्जरी भी करता है, आपकी आंख भी चेक कर देगा, उसमें क्या एरर है बता देगा, वो सब करने वाला जो डॉक्टर होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। हाउ आर योर बोन्स, तो बोन्स का डॉक्टर क्या होता है, दिस स्पेशलिस्ट डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ट्रीटिंग बोन स्ट्रक्चर्स, स्लिप डिस्क, क्लब फुट कर्वेचर्स ऑफ द स्पाइन, डिसलोकेशंस ऑफ द हिप एटसेट्रा, एंड मे करेक्ट अ कंडीशन ईदर बाई सर्जरी और बाई यूज ऑफ ब्रेसिस और अदर अप्लाइंसिस होता है। ये फिर जब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, या तो वैसे झटका मार के जोड़ देता है, फिर ऊपर से प्लास्टर नहीं लगा देता तो वो, बट भाई ज्यादा टूट जाती है तो वो ब्रेसिस लगा देते हैं, दोनों तरफ कब्जा बांध देते हैं, हिंदी में बोलूं तो वो कब्जा बांध कर फिर उसको इंटैक्ट कर देते हैं, बाकी तो बॉडी करती है, हिज जॉब इज टू कीप ब्रेसिस, कुछ भी अप्लाइसिस लगाकर किसी भी तरीके से वो अरेंजमेंट करता है ताकि स्केलेटल स्ट्रक्चर हमारा ठीक रहे, इस तरीके के डॉक्टर को बोलेंगे आप ऑर्थोपेडिस्ट होता है। बाद में पढ़ेंगे ऑर्थो का मतलब होता है सीधा करना, स्ट्रेटन करना, तो ऑर्थोपेडिस्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब बात आ गई मायोपिया क्या होता है, आपको ज्यादा पता है, आप काफी सारे लोग साइंस स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, दे नो मोर देन व्हाट आई नो, इस वो शॉर्ट साइटेडनेस को बोलते हैं मायोपिया होता है। देन एस्टिगमेटिज्म होता है, ए डिविएशन इन द स्फेरिकल कर्वेचर ऑफ द आई और अ लेंस रिजल्टिंग इन डिस्टॉर्टेड इमेजेस, इमेजेस थोड़ी डिस्टॉर्टेड दिखती हैं, प्रॉपर नहीं दिख रही होती हैं। देन कैटरेक्ट्स, ठीक है, ए मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई बिकम्स प्रोग्रेसिवली ओपेक रिजल्टिंग इन ब्लर्ड इमेजेस, वो जो आपका लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, बुजुर्गी में हो जाता है, 70 60 70 साल में ऐसा हो सकता है कि हमारी आई के ऊपर कुछ कुछ ऐसे डेवलप हो जाए, डॉक्टर्स फिर उसके कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, विजन ज्यादा अच्छा क्लियर होता है, नहीं तो उसके बिना आपको कैटरेक्ट्स में
हल्का धुंधला दिखाई देता है, ये बड़ी एज में होता है। एंड देन ग्लैकोमा, ए कंडीशन ऑफ इंक्रीज प्रेशर विद इन द आई बॉल कॉजिंग लॉस ऑफ साइट, दैट इज व्हाट वी से वो ग्लैकोमा होता है। दिस इज अ डेंजरस डिसीज विच वी मोस्ट ऑफ अस इग्नोर, वी शुड नॉट। कभी आप डॉक्टर के पास जाएं, आई स्पेशलिस्ट के पास, वो आपसे डिस्कस करेगा, आप वहां देखें लिखा रहता है यू मस्ट रीड। इंडिया में ग्लैकोमा इज एट द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, बिकॉज हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तब तक हम तो डॉक्टर के पास जाते नहीं जब तक हमारी आंख जवाब ना दे दे। लेकिन जैसे आपके दांत हैं, जैसे आपकी आंखें हैं, इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, तो इसको ज्यादा लटकाने से अच्छा है कि इसको टाइमली एक्शन लिया जाए। लेकिन वी बींग अ पुअर कंट्री और वी बींग वेरी इग्नोरेंट अबाउट हेल्थ, ये प्रॉब्लम हमारे साथ आती है। ग्लैकोमा इज अ सीरियस डिसीज फॉर आई। क्लब फुट हो जाता है, क्लब फुट होता है जिसमें पाँव बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बीच में जो हमारे पाँव के बीच में एक जो कर्वेचर नहीं होता वो फ्लैट हो जाता है। तो ए डिफॉर्म्ड फुट विच इज ट्विस्टेड सो दैट द सोल कैन नॉट बी प्लेस्ड फ्लैट ऑन द सरफेस, इस तरीके से हो जाता है, वो आप सीधा नहीं रख सकते, कुछ क्लब फुट उसे बोलते हैं। एंड देन माई नॉलेज, आगे भी हो सकता है, ये साइंस का टॉपिक है, आई एम जस्ट गिविंग यू बिट ऑफ द आइडिया दैट आई हैव रेड, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। ब्रेसिस तो आप जानते ही हैं, लोग टीथ में ब्रेसिस लगाते हैं ताकि वो इंटैक्ट रहे। ए वायर डिवाइस फिट इन द माउथ टू स्ट्रेटन द टीथ, जिसको बक टीथ होता है, दांत बाहर होते हैं उसको अंदर करने के लिए डॉक्टर्स लगाते हैं ब्रेसिस, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, वो भी हो सकता है। एंड प्लस ब्रेसिस, मैंने कहा किसी की टांग टूट जाए तो उसके कब्जा जब बांधेगा तो वो भी ब्रेसिस ही है। ब्रेसिस को हिंदी में कब्जा ही कह सकते हो, आप समझ रहे हो बात को, जो होल्ड करके रखे वो ब्रेसिस होता है। देन डज योर हार्ट गो पिटर पैटर, पिटर पैटर मतलब पल्सेट, जैसे कहते हैं वो कर रहा है आपका पल्सेट हार्ट, तो जो हार्ट को देखने वाला है, दिस स्पेसिट्री डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट हो जाता है, वो कार्डियक एरर्स को देखता है, वो कार्डियक एरर को देखता है। कभी आपने सुना है कार्डियक अरेस्ट हो जाता है किसी को, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, उसको हम बोलते, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोलते हो, उसमें वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कार्डिया से आया, वी विल स्टडी अबाउट दिस कि कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बना, बट एनीवे अभी वो हार्ट की एरर्स को देखने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम नेचुरली पंप करता है ना ब्लड आपका, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम को डील करने वाली एरर्स को देखने वाला कार्डियोलॉजिस्ट होता है। एंड देन पिटर पैटर, आई हैव रिटन दिस, अ साउंड ऑफ क्विक लाइट स्टेप्स और टैप्स, अ पल्सेटिंग साउंड ऑफ टैपिंग, टप टप, जैसे पांव चलते हैं तो वो हार्ट भी जब हमारा चलता है तो वो फीलिंग आती है वैसी वाली, तो वो साउंड वो पिटर पैटर बोलता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, पिटर पैटर हो सकता है, जहाँ टप टप की आवाज आए, जहाँ खटखट की आवाज आए, सॉफ्ट वाली होगी पिटर पैटर कह सकते हैं। देन इज योर ब्रेन वर्किंग, वी से लाइक दैट, इज योर ब्रेन वर्किंग, दिस फिजिशियन स्पेशलाइजेज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के डिसऑर्डर को डील करने वाला जो डॉक्टर है वो कौन है, वो न्यूरोलॉजिस्ट है। स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है वो एरर्स, और एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो हमारी नर्व्स हैं वो सिर्फ ब्रेन में है, वो हम मानते हैं क्योंकि हमने हर बार जब भी कहीं सुना है वो न्यूरोलॉजी होती है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, लेकिन न्यूरोलॉजी और नॉट ओनली फॉर ब्रेन, इट इज फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, और बॉडी में हजारों जगहों पर नर्व्स हैं, उनको देखने के लिए क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है। जो आपके रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन समझते हो क्या होता है, रिफ्लेक्स सेक्शन, जो मतलब जिसे आप क्विक कह सकते हो, जब हमारे हाथ पे बक्खी बैठती है तो हम फट से झटका दे देते हैं, ये वाला, जब बॉलर बॉल डालता है और बाउंसर पड़ जाता है तो बैट्समैन 1 सेकंड से हट जाता है, ये जो है ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ये एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से आता है, ब्रेन से आने में शायद टाइम लगता होगा, भगवान ने जैसे टेक्नोलॉजी बनाई है उसी साइंस की बात कर रहे हैं। तो यानी ये नर्व जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी होती हैं, ब्रेन में भी होती हैं, और रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम बॉडी में भी होती हैं, उसको डील करने वाला न्यूरोलॉजिस्ट है। और फिर न्यूरोटिक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट्स टू एलिविएट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बाय मींस ऑफ वेरियस टेक्निक्स, मेंटल डिस्टर्बेंस को देखता है, ठीक है, ऑकेजनली ड्रग्स, या तो ड्रग्स देता है या फिर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बिजली का शॉक देते हैं, वैसे वाले कुछ देकर भी वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। मोर ऑफन प्राइवेट और ग्रुप साइकोथेरेपी होती है, वन टू वन इंटरेक्शन भी ये करते हैं, ग्रुप इंटरेक्शंस भी होती हैं, जहाँ पर सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी क्या कर रहा है, वो भी इस तरीके से हमें, उसको हम साइकाट्रिस्ट कह सकते हैं, दैट दीज काइंड ऑफ पीपल आर साइकाट्रिस्ट,
जो हमारी साइकी पर काम करता है, जो हमारे मेंटल थिंकिंग पर काम करता है। बाद में पढ़ेंगे साइकी क्या है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन कमिंग सेशन। पूरा सेशन इसके ऊपर बना है। एनीवे, एलिविएट करने का मतलब है मेक पेन और डिफिकल्टी लेस सीवियर, उसको थोड़ा कम करना है। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मैंने बोला, डिनोटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक शॉक्स टू दी ब्रेन होता है। ये मैंने बोला जो बिजली का शॉक देकर करते हैं वो न्यूरोटिक, अगर आप हैं तो वो उसके लिए आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। दिस इज अनदर काइंड ऑफ इलनेस विच वी इंडियंस हैव बीन इग्नोरिंग, बट देर सवेर इसके डॉक्टर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मार्केट में। द काइंड ऑफ प्रेशर वी हैव एंड दी सर्टन अदर थिंग्स, उस जहां पर साइकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है वहां पर हमें साइकाट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। चाहे वो काउंसलिंग करे साइकोलॉजिस्ट के थ्रू या फिर वो ट्रीटमेंट करे। इसको पागल नहीं कह सकते, वो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका मैथ्स में मन नहीं लगता, आपका फोकस नहीं बन रहा है, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हो, ये नहीं है कि आप पागल ही हो गए, लेकिन दिस काइंड ऑफ इलनेस कैन बी कंसल्टेड विद दी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होता है। ओके, नाउ दिस इज दैट्स ऑल वी हैव इन द सेशन, सेशन 4। सो दैट इज द एंड ऑफ द सेशन 4। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अ फ्यू डॉक्टर्स, आप इसमें और चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होता है, जो किडनी का डॉक्टर होता है, तो यूरोलॉजिस्ट कौन है, वो यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर होता है। 50 तरह के डॉक्टर हैं। इट इज नॉट ओनली कि आप सिर्फ यही डॉक्टर्स के बारे में बात करें, आई सजेस्ट यू कैन लुक फॉर अ फ्यू मोर सच स्पेशलिस्ट जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डील करने वाले होते हैं। अगर वो लर्न करेंगे तो दैट विल हेल्प यू। एंड आई सजेस्ट इतना करने के बाद आप जो अलग से एक बुक अपनी नोटबुक बनाइए जिसमें वोकैबुलरी अलग से नोट करिए, डोंट लीव इट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप अपनी एक डिक्शनरी बना लीजिए, उसके ऊपर आप नोट करिए, और इन सेशंस के बाद में जो भी एक्सरसाइज दी हुई हैं काइंडली कंप्लीट देम। आई एम नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली, कीपिंग दिस इन माइंड कि यू विल डू दिस। ओके, तो काइंडली कंप्लीट ऑल दोस एक्सरसाइजेस एट द एंड ऑफ दिस सेशंस। एनी ट्रबल, एनीवन हैज, यू हैव माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट और यू कैन लीव ए कमेंट हियर आल्सो। थैंक यू वेरी मच माय डियर।